हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चिकन रजाला बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने हाफ के जी चिकन लिए है। 4 मीडियम साइज प्याज लिया है, जिसको मैंने स्लाइस कट कर लिया है। अदरक, कुछ कलियां लहसुन की ली है, 4 सूखी मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, 2 डेगी मिर्च। इसके साथ मैंने लिया है 1 बोल दूध, 2 टेबलस्पून पॉपी सीड्स, काजू, 1 बोल दही और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले प्याज को और रेड चिली को छोड़ के मैंने सारे मसालों का एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। मैं उसी मसाले से दही भी ऐड किया है और इसमें चिकन के साथ मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसे फ्रिज में हाफ एन आवर के लिए रख दूंगी। हाफ एन आवर हो गया है, अब मैं इसे पकाऊंगी। तेल अब गरम हो गई है और मैं अभी कटे हुए प्याज को फ्राई करूंगी ट्रांसपेरेंट होने तक। हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें चिकन की पीसेस डाल दूंगी। अच्छी तरह से अब पकाऊंगी। इसमें एक कटोरा पानी भी मैं डाल दूंगी। और इसको ढक के अच्छी तरह से पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। इसको अच्छा से मिला के थोड़ी देर के लिए और पकने दूंगी। हमारा चिकन पक गया है, अब मैं इसमें 1 कटोरा दूध डालूंगी और थोड़ा सूखा मिर्चा और इसे 5 मिनट तक और पकाऊंगी। मेरा चिकन रजाला रेडी हो चुका है, ये अच्छी तरह से तेल छोड़ चुका है, अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। माय चिकन रजाला इज रेडी। आप इसे पी पुलाव, तंदूरी रोटी, स्टीम राइस, बटर नान और सैलेड के साथ खा सकते हैं। थैंक यू।